रात करीब 12 से 12:15 के बीच सचिन बड़ोले नामक लॉकअप गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। उसी समय पास में ही रखी एक राइफल को बाजू में रखने के दौरान राइफल अचानक से जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद उससे निकली गोली सीधे पुलिस स्टेशन की छत पर जा फंसी। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच रिपोर्ट का पुलिस कर रही है। इस वारदात के बाद कुछ समय के लिए परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अंजाने में हुई इस मामले की जांच जरीपटका पुलिस कर रही है। हाँ बरोबर आहे, काल रात्री 12:15 सुमारास पोलीस स्टेशन जरीपटका इथे मिसफायर झालेला आहे। गार्ड ड्युटीमध्ये लॉकअप गार्ड ड्युटीमध्ये सचिन बडोले नावाचे अंमलदार गार्ड ड्युटीसाठी हजर होते। त्यांची ड्युटी असताना त्यांनी एक तर खुर्चीवर बसलेले असल्यामुळे उठून ते त्यांच्याजवळची असलेली रायफल बाजूला ठेवण्यास गेले असता ती थोडी जोरात जमिनीवर पटकली गेली, त्यामुळे त्यातून ते ट्रिगरवरून हात पडल्यामुळे ते फायर झाला आणि सरळवरती छताला लागलेला आहे। हां ते तर चांगली गोष्ट आहे, ती कुठली दुर्घटना म्हणजे काही हानी झालेली नाही आहे। आणि ह्याचं फुटेज वगैरे आहेत पोलीस स्टेशनला, CCTV फुटेज असते त्याच्यामुळे त्या फुटेजमध्ये आहे ते। आणि बाकी वरिष्ठ अधिकारी यांनी सगळ्यांनी भेटी दिलेली आहे, चौकशी केलेली आहे आणि पुढे अजून सविस्तर चौकशी सुरू आहे। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता 300 मीटर तक की होती है और ये ऑटोमेटिक फायर सुविधा गन है। वजन में हल्की होने के साथ ही इसमें ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लॉकअप गार्ड की माने तो नीचे जम से गिरने के बाद इसमें जोरदार धमाका हुआ और इसकी गोली सीधे छत पर जा फंसी। बहरहाल ये हादसा था या कुछ और, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।